जब भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि मीशो है या फिर कोई आपका अन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मैं तो यहाँ पर मीशो से ही शॉपिंग करता हूँ। और इससे यह है कि वहाँ पर आपको अगर कोई भी सामान पसंद नहीं आता है या फिर आप मंगा लेते हैं तो उसके बाद भी आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, और जो आपके पैसे हैं बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। इसी के साथ में कई बार ऐसा होता है, जो भी हम ऑर्डर यहाँ पर करते हैं और वो ऑर्डर हम तक नहीं पहुंच पाता है और उसके जो पैसे हैं हमने पहले ही पे कर दिए हैं, ठीक है, तो उन पैसे को हम किस तरीके से लें, क्योंकि जो ऑर्डर है अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड मेरे पास कमेंट आया था कि सर हम इस तरीके के जो पैसे हैं वो किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट भी देखने को मिलता होगा। तो क्योंकि उन्होंने मेरे पास यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजा था कि जो पैसे हैं वो मुझे नहीं मिले हैं, पर जो कि मैंने पेमेंट भी कर दी थी और जो ऑर्डर है वो भी मेरे पास नहीं आया और वो ऑर्डर बीच में ही कैंसिल हो गया। अब ऐसे में जो है पैसे वो हमारे अकाउंट से तो कट गए, पर ना तो हमारे पास पैसे ही आए वापस, ना तो हमारे पास सामान ही आया। अब ऐसे में यह है कि हम जो पैसे हैं वो किस तरीके से ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो से मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर उन पैसों को ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो भी एप्लीकेशन से आपने शॉपिंग की है उस एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको वो ही आईडी आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है जिस आईडी से आपने शॉपिंग की है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑर्डर था इन्होंने किया था 5 तारीख को किया था, ठीक है। उसके बाद में जो मीशो वालों ने थी कि वो डेट यहाँ पर आगे बढ़ा दी, यानी कि 7 अप्रैल कर दी। उसके बाद में यहाँ पर जो 11 तारीख को यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कैंसिल किया गया है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर इनके पास पहुँचा ही नहीं और ऑर्डर की जो पैसे थे इन्होंने पहले ही पे कर दिए थे 409 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्होंने कहा है रिफंड, कहने का मतलब है रिफंड अभी तक तो हमारे अकाउंट में नहीं आया है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होता है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा हेल्प सेंटर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। नीचे में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाट इशू आर यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि अगर आपका ऑर्डर कैंसिल किया गया है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और इसी के साथ में माई रिफंड फॉर द कैंसल ऑर्डर, ठीक है, तो आप इस पर भी यहां पर सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पर मिल जाएगा चैट वेट US, ठीक है, कहने का मतलब अगर चैट के जरिए आप यहाँ पर बात करना चाहते हैं तो चैट के जरिए भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। उसके बाद में आप चाहते हैं कि भाई हम कॉल से बात करें, जो भी कस्टमर केयर हैं हम उनसे बात करें, तो आपको कॉल मी बैक, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। किस लैंग्वेज में चाहते हैं बात करना वो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं हिंदी में चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करता हूँ और देखते हैं कॉल आता है कि नहीं आता है। जो कि हमने कस्टमर केयर से यहाँ पर बात की, बात करने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी आपका पैसा है वो आपने जिसके भी थ्रू यहाँ पर पैसे को पे किया था उसी के द्वारा ही आपका अकाउंट में आपका पैसा पहुँच जाएगा, ठीक है। और जो कि यहाँ पर बता भी रहा है कि यानी कि 24 मिनट में जो कंप्लीट है वो ये प्रोसेस हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर यानी कि बातचीत करके और उनसे आप पूछ सकते हैं कि जो ऑर्डर है हमारा क्यों कैंसिल किया गया है, और इसी के साथ में जो भी आपका पैसा अगर आपने पहले पे कर रखा है तो आप उस पैसे को यहाँ पर वापस भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जो आपका पैसा है वो 100% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।